तो आप बेहतर नतज हासिल कर सकते हैं आप बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं सो so, और ये सब किस तरह से होगा तालीम के थ्रू होगा और तालीमी सेटअप में होगा ताल, तालीमी सेटिंग में होगा अब इस बात पे मुकम्मल तौर पे काबू पाया जा सका है कि आप किसी भी तरह के डिसेबल पर्सन को ये नहीं कह सकते कि ना ये सीख सकता है और ना ये अपने इस हालत से बेहतर जा सकता है कुछ ना कुछ बेहतरी हम जरूर ला सकते हैं सो इक्वलिटी प्रैक्टिस विल बी अंडरमाइंड इफ एटीच्यूड्स परसिस्ट दैट एडल्ट रिस्पांसिबिलिटीज लेबल्ड एज केयर आर लेस वैल्यू एंड स्टेटस दैन दो कैटेगराइज एज एजुकेशन तो हम ये कह रहे हैं इस बात से भी बाहर आना है कि एजुकेशन और केयर दोनों साथ चलते हैं एजुकेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो आइसोलेटेड हो और ये कि वो चंद हिंसों को याद करना है या चंद अल्फाज को पढ़ना है या कुछ एकेडमिक अचीवमेंट हासिल करनी है असल में एजुकेशन ही केयर है क्योंकि आप इस एजुकेशन के थ्रू वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं तो जो हमारे डिसेबल या स्पेशल बच्चे हैं उनको हमें किसी ना किसी तरह से उस माजूरी में से निकालना है उनको अपने बेहतर पोटेंशियल में लेके आना है और सिर्फ तालीम ही नहीं देनी बल्कि उनकी हर तरह की केयर करनी है उनकी कॉगनेटिव हेल्प करनी है उनकी सोशल हेल्प करनी है उनकी फ़िज़िकल हेल्प करनी है मेडिसिलियल हेल्प करनी है दवा चाहिए उनको तवज्जो चाहिए उनको ग्रुप एक्टिविटी चाहिए उनको ये सब हमें उनको देना है ताकि हम केयर और एजुकेशन को साथ साथ लेकर चलें अब ये आइसोलेशन नहीं है जैसे मैंने अर्ज़ किया अब तो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के साथ साथ ही उनके पढ़ने लिखने का इंतज़ाम भी है जहाँ उनको एजुकेट भी किया जाता है एजुकेशन जैसे मैंने अर्ज किया सिर्फ ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उनका इल्म देना जितने फिनमिना हैं उनका इल्म देना ये सब एजुकेशन का हिस्सा है सो so, हम ये देख रहे हैं कि पॉवर्टी इज़ द मेन फैक्टर दैट ऑल दिस अब जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बहुत से हमारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके अंदर डिसेबल बच्चे तो मौजूद हैं लेकिन वो उसके ऊपर खातिर खा तो नहीं दे पा रहे क्योंकि पैसे नहीं ऐसे इदारों तक एक्सेस नहीं अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में ऐसे बच्चों को होल्ड करे पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर ऐसे बहुत से इदारे हैं जो माजूर बच्चों के लिए मौजूद हैं वहाँ ख़ास तौर तो पर उनकी ट्रीटमेंट होती है उनकी खास एजुकेशन दी जाती है लेकिन वो तादाद में कम है जितनी तादाद में बच्चे हैं उतनी तादाद में वो नहीं हैं तो फिर जो आम गरीब इंसान है वो किस तरह से अपने बच्चों को इस तरह के अच्छे इदारों में लेके आए और उनकी बेहतरी के लिए सोचे तो अब हम तमाम जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको सुजेस्ट से करते हैं कि जो हमारे तादाद के हिसाब से जो हमारी सेंसिस हैं उसके हिसाब से जो अभी हमने आ, अपनी वो, वो सारी जो डेटा इकट्ठा किया हुआ है साइंटिफिक कि कितने लोग जो हैं वो इस लूप में हैं स्पेशल हैं उनको इंक्लूड करते हुए इदारे बनाए जाएं। सो रेस्पेक्ट फॉर पर्सनल केयर जैसे अभी हम ये कह रहे हैं कि पर्सनल केयर की रिस्पेक्ट करनी है देखिए हम अगर स्पेशल लोगों के साथ काम कर रहे हैं डिसेबल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे यही कल को माशरे पे बोझ हो सकते हैं अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे इनकी केयर नहीं करेंगे इनका इलाज नहीं करेंगे और यही मुआरे के मुफीद रुकन बन सकते आपने देखा होगा कोई माजूर शख्स चौक पर खड़ा हुआ मांग रहा है और कोई माजूर शख्स ऐसा है जो पूरी दुनिया के अंदर अपने कारनामे साबित कर रहा है फ़र्क कहाँ था फ़र्क तरबियत में था फ़र्क उसकी तालीम में था फर्क उस पर देने वाली तवज्जो का था अगर हम अपने बच्चों को इसी तरह से तवज्जो देंगे कि उनकी डिसेबिलिटी के होते हुए वो अपने आप को लोगों का मोहताज ना समझें और अपनी पूरी सलाहियतों को बुरोकार लाएं और अपने आप पर अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं तो वो यकीन ना सिर्फ माशरे के बेहतरीन रुकन बनेंगे बल्कि अपने वालदे और एजुकेटर्स का नाम भी रोशन करेंगे सो वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम पेरेंट्स वट इज़ इंपॉटेंट फॉर द चिल्ड्रेन देखिए ये इस सारी चीजों के लिए हमें अप, अपने जो वालदान हैं जिनके हाँ इस तरह के बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करनी है उनको अवेयरनेस देना है कुछ तो ऐसे इदारों में आएंगे और अपने बच्चों की हेल्प के लिए आपको कहेंगे ऐसे बहुत से वालदे हैं जो ऐसे इधारों में आते ही नहीं आ ही नहीं सके तो ये सारी कैंपेन और अवेयरनेस ख्वाह मीडिया के जरिए हो खाम मुख्तलिफ सोशल गैदरिंग्स में हो या लोगों तक तो जा जा के क्यों ना पहुँचाई जाए बताया जाए कि डिसेबल बच्चे भी माशरे के मुफीद रुकन बन सकते हैं यही इक्वालिटी का जो हमारा स्लोगन है कि सबको बराबर के हकूक मिले तो ऐसे बच्चों को ख़ास तौर पे हमें इसके अंदर लाना है रीज़नेबल एडजस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन नीड्स और देखिए जैसे मैंने अर्ज किया जिस जिस तरह के बच्चे हमारे इन्वामेंट में मौजूद हैं हमें वैसी ही सहूलियात उनको देनी है ख्वाब व तलीमी इदारे हैं ख्वाब व हस्पता हैं ख्वाब व थेरेपी सेंटर्स हैं फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं तो अगर, अगर पूरे इलाके में एक या दो फिजियोथेरेपी सेंटर्स होंगे तो वो सारे बच्चे तो उससे मुस्फ़ी नहीं हो सकते सो तो बहुत बेहतर है कि हम अपने इदारों के और बच्चों की तादाद को अलइन करें